लेकिन जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो वो कहते हैं कि जी जुम्मे में 10:30 बजे का टाइम है। तो मैंने ऑनलाइन जब निकाला गूगल का टाइम, तो उसमें वो 11 बजे का ही था। ये देखें इतनी लंबी लाइन है, और ये अंकल जी बता रहे हैं कि सुबह 7:30 बजे खड़े। अभी टाइम 11:30 हो गए हैं, और 11:30 में आधे घंटे में हमने एक लाइन क्रॉस की है। लेकिन जनाब मैं तो जाके घर सो गया, मेरी अचानक ही ना 3:30 बजे आँख लग गई। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, आप अस्सलामुअलैकुम, आज हाजिर हैं एक नए और व्लॉग के साथ। आप हमेशा सोचते होंगे मैं बाहर खड़ा होकर बनाता हूँ, असल में अंदर जो है ना, कभी हुआ तो घर का टूर भी कराऊंगा आपको। असल में अंदर आवाज़ बहुत गूंजती है, और इस टाइम दिन का टाइम है, 9 बज रहे हैं, और हमने चाय बदर सब सो रहे हैं इस टाइम। तो हमने जाना है आज फॉरेन अफेयर्स जाएंगे मोफा, और वहाँ जाकर आज हम अपनी बैचलर और इंटर और मैट्रिक की जो है वो डिग्रीज टेस्ट करवा के आएंगे। और जो है मैं लास्ट जो है मेरी कुछ वीडियोस जो हैं वो लेट आ रही हैं, यानी कि हो गई हैं, लेकिन उनमें ये था कि मुझे जो लेट मेरा डॉक्यूमेंट मिला था ना, वो मिला था सिर्फ और सिर्फ उसका मैट्रिक का, क्योंकि वो हमको जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि वो एड्रेस ना होने की वजह से मुझे डिलीवर नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो है वो क्या कहते हैं, मुझे वहाँ से जाके सेल्फ कलेक्शन करनी पड़ी। और बाकी IBCC वाला डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने उनके अदारे में जमा नहीं कराया, तो मेरे ख्याल में वो कहते, मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, वो कहते हैं वो भी शायद सेम डे में दे देते हैं, लेकिन आई डोंट नो, मैंने इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की, मैं ऐसे ही आपको कहूँ, लेकिन मैंने सुना है खाली। बाकी मैंने TCS से करवाया था, उन्होंने मुझे 7 to 10 वर्किंग डेज का टाइम दिया, बीच में रबी लेवल की छुट्टियाँ आ गई तो उसकी वजह से लेट हो गया, तो टाइम से मुझे मेरा वो डॉक्यूमेंट मिल गया है। हम 2 दिन पहले गए थे, आज गालबन 8 तारीख है या 9 तारीख है आज, ठीक है। मैं 6 तारीख को गया था वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लेके, जिस दिन मेरे पास आए मैं उससे अगले दिन ही चला गया हूँ। तो उसकी टाइमिंग उन्होंने मेंशन की हुई थी वहाँ पे कि जी आप जो है 11 बजे तक मतलब कि आके अपनी जो है डॉक्यूमेंट जमा सबमिट करवा। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो वो कहते हैं कि जी जुम्मे में 10:30 बजे का टाइम है। तो मैंने ऑनलाइन जब निकाला गूगल का टाइम, तो उसमें वो 11 बजे का ही था। तो अब ये है कि आज हम जा रहे हैं, तो आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह अब आज डॉक्यूमेंट का जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, चीज़ें होंगी और जो भी हालात होंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए हो जाते हैं हम रेडी। जी हम हो गए हैं रेडी और जाने के लिए, हमारी छुट्टी कॉम हो चुकी है। ये शर्ट नीचे करें, ये मेरी छुट्टी को उड़ रही है, और जो इसकी बहन है वो अभी तक सो रही है। तो अब हम पकड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स पकड़ के हम निकलेंगे। ये देखें कैसा भी होशो के सो रही है, और डॉक्यूमेंट्स पकड़ते हैं फिर निकलते हैं। और कोई इतना मेरा में मुश्किल प्रोसेस नहीं है, देखते हैं क्या प्रोसेस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तीनों चीज़ें चाहिए मेरे ख्याल में, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी देनी होंगी, बाकी वहाँ चल के बचलते चार्जेस वगैरह क्या होंगे। तो चलते हैं फिर मोफा। ये चेक करें कितनी लंबी लाइन है, ये जितने लोग खड़े हैं टोकन के लिए खड़े हैं। अगर यहाँ पर काम ना हुआ तो फिर हम जाएंगे TCS की तरफ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये देखें इतनी लंबी लाइन है, और ये अंकल जी बता रहे हैं कि सुबह 7:30 बजे खड़े हैं, 8 बजे का, और आए ये लोग 9 बजे हैं, और कह रहे थे कि 8 से 11 की टाइमिंग है ना इनकी। हाँ तो आए ये 8 बजे, और ये भाई साहब जो है कह रहे हैं मैं सियालकोट से आया हूँ। ये अब थोड़ी लाइन चली है, लगता है कुछ वाकई में जलजला आया। ये देखें, चलो 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 इमरान के साथ। क्या कर सकते हैं जनाब, हम इनके मोहताज ही हैं, बस आज डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएं, फिर उसके बाद जान छूटे इन लोगों से। तो दुनिया से चकाचक भरी पड़ी हुई है, हर जगह बंदा ही बंदा, बंदा ही बंदा, और पता बिल्डिंग के अंदर भी अब जाने नहीं दे रहे। और उस साइड पे देखें ये पुलिस वाले खड़े हैं, और ये लोग जो है कुछ सिफारशी सफूरशी होता है तो ना भी उसको अंदर घुसा देते हैं। अब हम गरीब लोग, हमारी कहाँ से सिफारशें आनी हैं।
जी हम यहाँ से हम लोग इधर लास्ट लाइन में पहुँच गए हैं। अंदर भी त्रै है, अंदर भी त्रै है। चलो वेख लें अंदर जाके अंदर, लेकिन एक बार गेट तो टप लाइए बस। और टाइम इस टाइम हो गए हैं 9:45, आज 9 तारीख 9:45। बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे अंदर। ये भाईजान हैं यहाँ पर बैठे हुए, टोकन दे रहे हैं हमें, बार बार से टोकन मिल रहे हैं। ये पुलिस वाले, ये सिक्योरिटी, और ये अंकल टोकन दे रहे हैं। अब चलते हैं अंदर। ये रहे जी 810 नंबर हमारा है, और ये इतने अभी अंदर एंटर होने के बाद ये हाल है। वो काउंटर है, अभी टाइम 11:30 हो गए हैं, और 11:30 में आधे घंटे में हमने एक लाइन क्रॉस की है। अभी आगे इसके बाद लेफ्ट भी लाइन जा रही है, ये भी है, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है। बाकी देखते हैं, अल्लाह मालिक, टोकन तो मिला हुआ। अभी ये लाइन है बस, और टाइम हो गया है 12, तो तकरीबन कोई 1.25-2 घंटे के अंदर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 1.25-2 घंटे, 10:15 से ला लो ना तुम, 10:15 तो 12:15, 2 घंटे होते हैं ना, 1.25-2 घंटे हो गए। तो अब ये यहाँ पर जाके से यहाँ से फॉर्म मिलेगा, जमा कराएंगे, उसके बाद देखते हैं। ये मैंने सुना है तो यहाँ से आपको टिकटें वगैरह मिलती हैं, फॉर्म मिलता है, बाकी रश ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर फिर वो टिकटें लगा देते हैं इस तरह की। ये टिकटें लग गई, आगे आगे टिकटें लग गई, और ये फॉर्म फिल होता है, अब जाके दूसरी जगह पर जमा कराएंगे। पर आए हैं अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए, और देखें रश कितना है, टोकन चल नहीं रहे, टोकन हमें दे दिए इन्होंने, और अब यहाँ पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये जब लेंगे उसके बाद ही जाके जो है हमें वो डिलीवरी होगी। अब डिलीवरी कब होगी ये बाद में पता चलेगा जब जमा होंगे। ये हाल है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये एक छोटा सा एसी चल रहा है जिसकी कोई ठंडक नहीं है, और ये सारे जमा कराने के लिए हैं। जी भैया, हम लोग हो गए फ्री, अभी हमारे डॉक्यूमेंट हुए जमा, लेकिन अभी हमें उन्होंने 4 बजे बुलाया है कि जी अब 4 बजे आएंगे, 4 बजे आके जो है आप अपने डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, अब हम जाएंगे घर। 1 बज गया है तकरीबन, मेरे हम 2.5 घंटे लगे हैं। बाकी इसका जो तरीकाकार है ना, थोड़ा सा मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो अब चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, और फिर 4 बजे आके क्लिक करते हैं, फिर सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। 2000 years later। जी अब हम ना ये खड़े हैं फॉरेन अफेयर के ऑफिस के बाहर, और हम लोगों ने अपना जो है वो ले लिया हुआ है। ये देखें हमारे जो हैं ये सारे तीनों सर्टिफिकेट हमें मिल गए हैं, लेकिन जनाब मैं तो जाके घर सो गया, मेरी अचानक ही ना 3:30 आंख लग गई, मुझे पता ही चला, बल्कि उसके बाद ही मेरी आंख खुली 4:30। ओ मैं क्या 4 बजे का टाइम दिया, बाकी ये बंदा अच्छा था, चलो उसने मुझे कहा मैं आपको दे देता हूँ। तो अब हमारा जो है वो ले लिया, वो देखें कितना सन्नाटा कितना है, ये देखें फॉरेन अफेयर, लेकिन इतना सन्नाटा जैसे यहाँ पर कोई ज़िंदगी बसती ही नहीं है। चले बाकी घर चल के बात करते हैं, या कुछ मच्छर शायद काट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा जो काम है सारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मेरे डॉक्यूमेंट टेस्ट भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस लास्ट मोमेंट में जाके मैंने अपने रिसीव किए हैं। तो क्विक जो है इसको क्लियर करेंगे, उसके लिए ये है कि आपने जब फॉरेन अफेयर में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट जब करवाने होते हैं टेस्ट, उसके लिए आपको कोई इतना कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो फोटोकॉपीज चाहिए होती हैं, जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं उनकी फ्रंट बैक से दोनों तरफ से आपकी जो है उनकी कॉपीज़ करनी है, 2-2 कॉपीज़ करवा लीजिएगा, एक आपके पास रहेगी, एक वो अपने पास रखेंगे, प्लस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। यानी कि अगर आपके 3 डॉक्यूमेंट हैं जैसे मैट्रिक, इंटर और बैचलर हैं, तो आपने तीनों की एक एक फोटोकॉपीज़ फ्रंट बैक से करवा के आपने उनको देनी है, और एक आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी। आप जाके अपना टोकन लें, और जाके जो है वो टिकटें लगवाएं, और उसके बाद सबमिट कराएं, और फिर वो आपको टाइम दे देंगे, आपने उसी दिन जाके वापस उसको लेके भी आना। तो अब चीज़ ये है कि वहाँ पर बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई है। 1 मिनट बेटा, तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, 11 बजे का तक का टाइम होता है, 8 बजे से 11 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, आप 11 बजने से तकरीबन को 15 मिनट पहले ही जाइएगा, क्योंकि बात ये होती है जो लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट बंदे रहते हैं ना, वो भी अंदर चले जाते हैं। मेन चीज़ होती है गेट के अंदर घुसने की, वो आपको टोकन दे के अंदर घुसा देते हैं, उसके बाद अंदर आप लाइन में खड़े रहते हैं, और जाके जो है फिर आप अपना टिकट वगैरह और जमा करवा लें।
तो किसी को वहाँ पर कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 हज़ार रुपये रेट चल रहा है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स का, वो किसी भी खाते में नहीं है। बस टाइम से जाएं, थोड़ा सा आपको टाइम अपना निकालना पड़ता है, आप वो जाके निकालें और इंशाल्लाह आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप उसी दिन आपके टेस्ट होके मिल जाते हैं। TCS वाले भी करते हैं लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा। उसकी वजह ये है कि TCS के थ्रू करवाते हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है, 10-12 दिन फिर लग जाते हैं। तो लिहाजा आप खुद जाएं और जाके करवाएं और जल्दी ही आपको जो उसी दिन आपके काम हो जाता है, ना कि आपको वेट करना पड़ता है। और अल्लाह ताला का आज बड़ा करम है, ये देखें आज बारिश भी हो रही है और बड़ा मौसम जो है वो इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। और तो अब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के बारे में आपको पता चले। और कमेंट करके बताइएगा कि मज़ीद आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, या उसमें कोई मसला या आपको लगता है कि जी मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो आपने सजेशन ज़रूर नोट करवाएँ ताकि मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। आपके ताउन की ज़रूरत है इस चैनल को प्रमोट करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी छोटी दुनिया को भी इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।